रूस यूक्रेन के बीच युद्ध को लेकर अब नेटो देशों का स्टैंड भी अलग अलग होता दिख रहा है। पुतिन ने शुक्रवार को सुबह जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स से फोन पर बात की थी। दोनों नेताओं के बीच युद्ध रोकने को लेकर चर्चा हुई। इससे पहले बाइडेन ने भी बृहस्पतिवार को संकेत दिया था कि वो पुतिन से बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन ब्रिटेन के मंत्री ने कहा है कि युद्ध रोकने के लिए बातचीत पुतिन की चाल हो सकती है। ब्रिटेन के मंत्री ने शक जताया कि शांति वार्ता में मिले समय को पुतिन सेना की ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। आखिर इन बारूदी धमाकों का अंत कब होगा? 9 महीने बीत गए, अब और कितने महीनों तक जलेगी यूक्रेन की धरती? परमाणु युद्ध की नौबत को रोकने के लिए जरूरी है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध बारूद से नहीं, बातचीत से खत्म हो। इसकी कोशिश कई बार हो चुकी है, लेकिन कामयाबी कभी नहीं मिली, क्योंकि एक तरफ अमेरिका की शर्तें हैं तो दूसरी तरफ पुतिन का गुरूर। पुतिन झुकने को तैयार नहीं है और बाइडेन रूस को झुकाने के लिए मौके का पूरा फायदा उठाने की फिराक में है। लेकिन युद्ध के 9 महीने के बाद अब नेटो देशों में भी रूस को लेकर राय अलग होती जा रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों पुतिन से कई बार बात कर चुके हैं। मैक्रों ने कहा है, यूरोप को पुतिन से बातचीत पर नए सिरे से विचार करना चाहिए। यूरोप को पुतिन के मन से सुरक्षा के डर को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। अमेरिका ने जो शर्त रखी है उन पर रूस बातचीत को तैयार नहीं है। रूस के बिल्कुल करीब तक नेटो की पहुंच और तैनाती के मुद्दे को सुलझाना होगा। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स भी मैक्रों की तरह ही यूरोप को पुतिन के लिए नरम पड़ने की सलाह दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि उनका राष्ट्रपति पुतिन से तुरंत संपर्क करने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन अगर पुतिन की युद्ध खत्म करने में कोई रुचि है तो बाइडेन उनसे बात करने के लिए तैयार है। अमेरिका से बातचीत का सिग्नल भले ही मिला हो, लेकिन रूस के बयान से ये उम्मीद खत्म होती दिख रही है। रूस ने कहा है कि यूक्रेन के जिन नए इलाकों को कब्जे में लिया गया है उन्हें पश्चिमी देशों ने मान्यता देने से इनकार किया है। इससे शांति के लिए बातचीत और मुश्किल हो गई है। इसके ठीक उलट अमेरिका का कहना है कि बातचीत तभी शुरू होगी जब पुतिन की सेना यूक्रेन से बाहर निकल जाएगी। रूस ने कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए पश्चिमी देशों की ओर से यूक्रेन से वापस लौटने की मांग नहीं मानी जाएगी। जर्मनी और फ्रांस के सुप्रीम लीडर जरूर शर्तें छोड़कर पुतिन से बातचीत आगे बढ़ाने के पक्ष में हैं, लेकिन ब्रिटेन की सोच बिल्कुल अलग है। ब्रिटेन के विदेश सचिव जेम्स क्लेवरली की चेतावनी है कि पुतिन शांति वार्ता के समय का गलत इस्तेमाल करेंगे। पुतिन इस दौरान अपनी सेना की ताकत बढ़ा सकते हैं। रूस नए सिरे से हमला करने की तैयारी कर सकता है। ब्रिटेन के विदेश सचिव ने पश्चिमी देशों को अलर्ट रहने की नसीहत दी है कि रूस की बातचीत की पहल को बहुत सावधानी से लिया जाना चाहिए। ब्रिटेन ने शक जताया है कि युद्ध विराम सिर्फ दिखावे के लिए होगा। रूस इस दौरान हथियारों का प्रोडक्शन कर सकता है, नए सैनिकों की भर्ती और उनकी ट्रेनिंग करवा सकता है। पुतिन को लेकर नेटो में कंफ्यूजन जैसी स्थिति बढ़ रही है, लेकिन माना जा रहा है कि रूस की वजह से यूरोप में हो रही दिक्कतों की वजह से कुछ देश जल्द युद्ध खत्म करवाना चाहते हैं, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश रूस को घुटने पर लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।